This conference will now be recorded. तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम अब्दुल्ला जी की। लास्ट एक प्रॉब्लम को तो मैंने सॉल्व कर दिया था, लेकिन उन्होंने कल मुझे एक और प्रॉब्लम दिखाई जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि उनके पास एक दो कॉलन है जी और एच, उनमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 8YR 60 LDG आपका 1000 FHS 1250 FC और ऐसे ही INT में भी लिखा हुआ है। अब उनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने एक कॉलन इधर बना रखा है, मैं इसको हाइड कर देता हूं। अब वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो यहाँ पे से 8 यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 60 आ जाए, यहाँ पे आपका 1000 आ जाए और यहाँ पे 1250 आ जाए। समझे? तो चलिए इनकी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको उठा के हम ले चलते हैं एक ब्लैंक जहां हम इसको सही से कर सके। मैं इसको नए सी पर रखता हूँ, फिर मैं उस पर भी करूंगा। और यहाँ उनका एक वाई आर है तो, और दूसरा है एल डी जी है एफ सी। तो यहाँ पे वाई आर के लिए हम क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड का, फाइंड और सर्च लगा दीजिए यहाँ पे सर्च का। सर्च फॉर्मूला क्या करता है, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी सेल वैल्यू में ढूंढता है और बताता है कि उसका लोकेशन क्या है। तो इन्होंने बता दिया, इन्होंने बता दिया कि इसका लोकेशन तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लेफ्ट का वावा लगाया और बोला कि लेफ्ट में से इसमें से -1 को अलग कर लो, तो यहां पे 6 आ गया। लेकिन 6 जो आया वो नंबर फॉर्मेट में नहीं आया, किस अंदर आया, वैल्यू फॉर्मेट में आया। तो इसको मैं, क्योंकि इसमें स्पेस होने की चांसेस है, तो मैं ट्रिम के अंदर यूज किया और इसमें प्लस 0 कर दिया, ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। राइट, अब दूसरा है एलजीसी। तो एलजीसी के लिए अब यहां पर मुझे एक और फाइंड लगा, एक और सर्च लगाना पड़ेगा कि सर्च इसके अंदर नहीं, ये एलडीजी इसके अंदर, और हमने स्टार नंबर 1 कर दिया तो 9 है। अब मुझे अगली वैल्यू जो है 3 + 2 = 5 + 6, क्योंकि ये जो वाई स्टार्ट है तो मुझे यहाँ पे मिड का फॉर्मा लगाना पड़ेगा और मिड में मैं बोलूंगा कि इसमें से, और मिड स्टार्ट कहां से है, मिड स्टार्ट है आपका 3 + lane। लेन किसका, तो इसका है प्लस 1। और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो हमने बोले कि जो लास्ट नंबर है वो -a + 2। 2 इसलिए क्योंकि ए जो 3 आ रहा है, ये वाई की पोजीशन आ रहा है, तो मुझे इसके बाद की पोजीशन चाहिए ना। हमने एक मिनट, हमने बोला हाँ इसमें से माइनस, एक ऐसे नहीं यहां पे गड़बड़ हो गया, तो यही भी ठीक है, लेकिन ये आपका ज्यादा आ गया, -2 हटाता हूं तो 40 एलजी आएगा, जल्दी आएगा, मतलब कि यहाँ पे एलडीजी भी इसके साथ में आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले तो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाते हैं। सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले में हम बोलते हैं कि इसमें इसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो,
बटी आ गया, और प्लस 0 कर दो ताकि नंबर में कन्वर्ट हो जाए, हो गया। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। यही चीज यहाँ FCH के लिए हो जाएगा, यही चीज FC के लिए हो जाएगा कि हम LG यहाँ पे रखेंगे। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे सर्च का फॉर्मा लगाते हैं। अब जो सर्च होगा इसमें, वो सर्च क्या होगा, ये आपका FH होगा। स्टार्ट नंबर से 17 आया, फिर मैं यहाँ पे मिड बोलूंगा कि मिड इसमें जाओ। हम मैं बोलूंगा कि 9+3, क्यों, क्योंकि LDG जो है वो 3 से स्टार्ट है, 3 कैरेक्टर है। तो 9वां तो L तक आया, तो हमने बोला कि 9+3 3 से स्टार्ट करो, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, तो 17 -9 हम कर देते हैं, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आ गया, और जाहिर सी बात है मुझे इस सेफेक्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे हमने इसको बोला कि इस करेक्टर को रिमूव कर दो। और 750 हमारा वैल्यू फॉर्मेट में नहीं आया है, तो +0 कर दूंगा, तो हमारा अब +0 इसमें नहीं होगा क्योंकि स्पेस लगा है। तो इसको स्पेस को रिमूव करने के लिए मुझे इसको ट्रिम में डालना पड़ेगा, और +0 फिर करना पड़ेगा, फिर भी नहीं हुआ। ओके, तो क्लीन करना पड़ेगा इसमें, रैप टेक्स्ट ले लिया आई थिंक, लग रहा है। अब आगे तो जहां क्लीन काम नहीं करेगा वहां पे आपको क्लीन का यूज करना है। जहां पे क्लीन काम नहीं करेगा वहां पे आप क्लीन का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसके लिए भी हम यहाँ पे इक्वल सर्च का फॉर्मा लगाते हैं। अब बोलते हैं कि इसके एक FC को इसके अंदर सर्च करना है पहले नंबर से, और सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ लगाया है ये सेम फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं हम। मिड का मिड इसमें से करना है, और स्टार्ट नंबर क्या है, तो 17+2, और कितना कैरेक्टर लेना है, तो डेट माइनस ए। अब इसमें से FC लगा हुआ है, इस वैल्यू को हटाना है नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमने बोला इसको इसको क्लियर है आप लोगों को सर? हाँ हाँ किसमें लेफ्ट में यूज किया था मैंने? अच्छा, लेफ्ट यूज किया था मैं, लेफ्ट लेन इसके लिए LDG ले लिया, लेकिन हम लेन की जगह पे 3 कर दे मैनुअली। हाँ, तो हमने मैनुअली 3 कर दिया था, ठीक है। तो दोनों मेथड है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी चल सकते हैं। और जो सर्च का फॉर्मूला बाहर है, इस सर्च के फॉर्मूले को आप उसके अंदर जहां B3 है हमारा वहां पे यूज कर दीजिए, और यहां भी होगा इसमें B3, तो इस तरह से पेस्ट कर दीजिए आपका सिस्टम। तब उसको ट्राई कीजिएगा, जहां डाउट होगा वहां मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय।